खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो शहडोल से हमारे पास आ रही है, जहां एडीजीपी जी जनार्दन का ऑडियो वायरल हो रहा है। कबाड़ी और एडीजीपी जी जनार्दन के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। कथित कबाड़ी की गाड़ी छुड़ाने को लेकर बातचीत हो रही है और कबाड़ी कह रहा है कि एडीजीपी से मेरी गाड़ी पकड़ रहे हैं और यह अच्छी बात नहीं है। हाँ जी नमस्कार साहब जी। हाँ साहब, हमारे आपके ऐसे संबंध नहीं कि आप हमारी गाड़ी पकड़ने लगे, नंबर एक का माल पकड़वा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है साहब। हाँ नहीं, उसमें इसको चाहिए। चलिए ठीक है साहब, हम ऐसा ना हो भी मधु कुमार साहब जैसे आपका भी काम हो, मेरे पास पूरा वीडियो है, मेरे पास वीडियोग्राफी है, आपसे जो बात हुई है पैसे की लेन देन की मेरी बात पूरी है। आप मेरी गाड़ी छुड़वाइए नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मेरा ईमानदारी का माल है, वो चोर के चक्कर में कागज है, गाड़ी का कागज सब कुछ कागज है। अनीस के कहने पे आप छोड़वा रहा सब दिखवा दिया, उसके बाद बोलता है वो सब दिखाने के बाद वो आईजी का बोलता है आईजी का पॉइंट है। मैं नहीं जानता, मैं कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको शिकायत करूंगा। मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ सबको, आपको मैं सबको पूरे डिपार्टमेंट में ऊपर जाके शिकायत करूंगा आपकी, फिर आपका नुकसान होगा, नहीं तो मेरी गाड़ी छूटना चाहिए। आज कोई इन्फॉर्मेशन आया तो आपको नीचे साहब, इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी है कि आप जायज माल को आप जायज माल को भी बंद करवाओगे, अच्छी बात नहीं है। आप नाजायज कागज है क्या? सब कुछ है, आप वहाँ नाजायज काम करवा रहे हो, सब चोरी करा रहे हो, लोहा करा रहे हो, पीतल तांबा चोरी करवा रहे हो आप, अच्छी बात है। थाने में दिखा दे ना, मैंने सब दिखा दिया, उसको बोल दीजिए थाने वाले को छोड़ना चाहिए, नहीं छूटेगी तो आपको नुकसान होगा। ठीक है हाँ, तो आपको बता दें कि एडीजीपी जी जनार्दन का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ND24 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसा कि आपने इस ऑडियो को सुना, इस ऑडियो में निवेदन कम और धमकी ज्यादा नजर आ रही है। कबाड़ी और एडीजीपी जी जनार्दन के बीच का ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है और आपको ये बता दें कि पूरा मामला ये है कि कथित कबाड़ी की गाड़ी छुड़ाने को लेकर बातचीत हो रही है और इसमें कबाड़ी साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि मेरी गाड़ी पकड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ उस कबाड़ी ने कहा कि मेरी गाड़ी छुड़वाए नहीं तो आप पर प्रकरण दर्ज हो जाएगा। और इसके बाद और ज्यादा खुलासे हुए हैं चौंकाने वाले। कबाड़ी का कहना है कि मेरे पास आपके लेन देन के ऑडियो और वीडियो हैं। तो सवाल अब ये सामने आ रहा है कि यदि ऑडियो और वीडियो एडीजीपी जी जनार्दन के कबाड़ी के पास है तो ये गोरख धंधा आखिर कब से चल रहा है। इसके साथ ही ऑडियो में कबाड़ी कहता हुआ नजर आ रहा है कि नाजायज काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, चोरी चकारी का माल बिकवाया जा रहा है और तमाम तरह के आरोप कबाड़ी के द्वारा एडीजीपी पर लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बार फिर इस पूरे ही मामले को हम सुनेंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार साहब जी। हाँ साहब, हमारे आपके ऐसे संबंध नहीं कि आप हमारी गाड़ी पकड़ने लगे, नंबर एक का माल पकड़वा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है साहब। हाँ नहीं, उसमें इसको चाहिए। चलिए ठीक है साहब, हम ऐसा ना हो भी मधु कुमार साहब जैसे आपका भी काम हो, मेरे पास पूरा वीडियो है, मेरे पास वीडियोग्राफी है, आपसे जो बात हुई है पैसे की लेन देन की मेरी बात पूरी है। आप मेरी गाड़ी छुड़वाइए नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मेरा ईमानदारी का माल है, वो चोर के चक्कर में कागज है, गाड़ी का कागज सब कुछ कागज है। उस अनीस के कहने पे आप छोड़वा सब दिखवा दिया, उसके बाद बोलता है वो सब दिखाने के बाद वो आईजी का बोलता है आईजी का पॉइंट है। मैं नहीं जानता, मैं कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको शिकायत करूंगा, मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ सबको, आपको मैं सबको पूरे डिपार्टमेंट में ऊपर जाके शिकायत करूंगा आपकी, फिर आपका नुकसान होगा, नहीं तो मेरी गाड़ी छूटना चाहिए। आज कोई इन्फॉर्मेशन आया तो आपको नीचे साहब, इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी है कि आप जायज माल को आप जायज माल को भी बंद करवाओगे, अच्छी बात नहीं है। आप नाजायज क्या सब कुछ है, आप वहाँ नाजायज काम करवा रहे हो, सब चोरी करा रहे हो, लोहा करा रहे हो, पीतल तांबा चोरी करवा रहे हो आप, अच्छी बात है। थाने में दिखा दे ना, मैंने सब दिखा दिया, उसको बोल दीजिए थाने वाले को छोड़ना चाहिए, नहीं छूटेगी तो आपको नुकसान होगा। ठीक है हाँ।